हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन मोबाइल फोन अगर खो जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो और उसके बाद ये चीजें भूल जाते हो कि अपन को क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, और उस कारण से आप कई बार बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ जाता है, क्योंकि आपका मोबाइल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। उसके अंदर पासवर्ड्स होते हैं, बैंक डिटेल होती है, सारी चीजें उसी के अंदर होती है। आज मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहली चीज है, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो सारी चीजें भूल जाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आपको पैनिक नहीं होना, दिमाग को कूल रखना है और शांति से सोचना है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके मोबाइल पे आपको फोन करके देखना है और उसमें ये चेक करना है कि उसमें रिंग जा रही है नहीं जा रही। अगर रिंग जा रही है तो आपका मोबाइल कहीं पे गिर गया है या आप कहीं पे गए हो वहां पे भूल के आ गए हो। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आप लास्ट टाइम कहाँ पे गए थे। आप अपने पड़ोसी या अपने किसी फैमिली मेंबर के गए थे या किसी और जगह गए थे जहां जाके आप देख सकते हो कि आपका मोबाइल वहां पे है क्या नहीं है, या फोन करके पता कर सकते हो किसी और को, ताकि आपके मोबाइल का पता चल सके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और अगर मान लो आपके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है तो समझ लेना कि आपका मोबाइल चोरी हो चुका है। तो ये दोनों ही स्टेप है। अगर आपका मोबाइल रिंग आ रही है तो आपका मोबाइल कहीं पे गिर गया है, और अगर स्विच ऑफ आ रहा है तो हो सकता है आपका मोबाइल चोरी हो गया। फिर आपको क्या करना है, अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो गूगल पे जाना है, फाइंड माई फोन करके सर्च करना है, और फिर उसके अंदर आपको उसके अंदर लॉगिन कर लेना है। जिस जीमेल आईडी से वो लॉगिन था उस मेल आईडी से लॉगिन करके आप आगे पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी लोकेशन चेक करने का कि आप लास्ट टाइम कहां गए थे। उसमें वो लोकेशन दिखा देगा, अगर आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन रहती है तो आपको पता चल जाएगा कि आप लास्ट टाइम उस मोबाइल को लेके कहां गए थे। और अब अभी वो अगर मोबाइल ऑन है, अगर मोबाइल ऑन है उसका नेट ऑन है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो मोबाइल अभी किस समय रखा हुआ है, यह भी पता चल जाएगा। और अगर मोबाइल आप कहीं पे रख के भूल गए हो और वो साइलेंट है, ताकि आप उसको फोन भी कर रहे हो, फोन जा रहा है, रिंग जा रही है, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है रिंग वाला, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल अगर म्यूट भी होगा तो भी उसके अंदर बेल बजेगी। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप उससे रिंग देके और पता कर सकते हो कि आपका मोबाइल कहाँ है। कई बार क्या होता है, आपके घर के अंदर ही आपका मोबाइल खो जाता है और आपको मिल नहीं पाता, क्योंकि आपका मोबाइल होता है म्यूट, और फिर कैसे ढूंढें आप। तो उसके लिए आप इस तरीके से लॉगिन करके फाइंड माई फोन में, और इस तरीके से आप उसको ढूंढ सकते हो। और दूसरा दोस्तों, इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है इरेज वाला। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप यहीं से ही आपका पूरा डेटा इरेज कर सकते हो, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। हो सकता है कि आपके मोबाइल का वो मिसयूज करे, तो इसलिए आप यहां से इरेज कर दोगे तो आपका डेटा पूरा इरेज हो जाएगा, आपके मोबाइल को कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो इसके अंदर फाइंड माई का ऑप्शन आता है, वो आप सर्च करके और आप इसी तरीके से आप उस अपने मोबाइल को ढूंढ सकते। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ब्लॉक करना है अपनी सिम को। उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट जो भी आपका मोबाइल है, जियो का है, एयरटेल का है, जिसी भी कंपनी का मोबाइल है, उस कंपनी के आउटलेट पे जाके उसको सबसे पहले ब्लॉक करा दीजिए अपने सिम को, या फिर उसके मोबाइल नंबर पे या जो उसका कस्टमर केयर है वहां पे फोन करके आपके सिम को ब्लॉक करा दीजिए। कई बार क्या होता है, पैनिक होने के कारण आप सिम ब्लॉक नहीं करा पाते हो और उसका वो मिसयूज भी कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों, आप पहले सिम को ब्लॉक कराइए, फिर उसके बाद आप जाइए नियरेस्ट पुलिस थाने में, और वहां जाके पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे आप इसकी कंप्लेन लॉन्च कराइए, और कंप्लेन कराने के बाद वहां पे वो आपको एक कंप्लेन नंबर देगा, वो कंप्लेन नंबर जरूर लेके आना, क्योंकि वो आगे काम आएगी आपके। फिर इसके बाद दोस्तों, अपन को क्या करना है दोस्तों, एक मोबाइल के अंदर एक IMEI नंबर होता है जो कि आपको ब्लॉक कराना जरूरी होता है। अगर वो ब्लॉक नहीं कराओगे आप, तो आगे जाके क्या होगा, वो इसके अंदर दूसरी सिम लगा लेगा। आपने ये सिम बंद करा दी तो दूसरी सिम लगा के और उसको मोबाइल को ऑन करके और यूज में ले सकता है। तो सबसे पहले आपको ये IMEI नंबर भी ब्लॉक कराना होगा। उसका तरीका यह है कि इसकी एक वेबसाइट होती है CEIR.gov.in,
इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे जाने के बाद इसके अंदर ब्लॉक करने का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है और वहां पे वो सारी जो भी डिटेल मांगता है आपसे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है, वो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देना है। आपको एक कंप्लेन नंबर भी मांगेगा, वो कंप्लेन नंबर भी जो आपने पुलिस स्टेशन में जाके FIR कराई है वो नंबर भी इसमें डालना पड़ता है, इसलिए पहले आपको FIR कराना जरूरी होता है। फिर उसके बाद सारी चीजें फिलअप कर देनी है और फिलअप करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये गवर्नमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो इस नंबर को, इस आपके IMEI जो नंबर है उसको वो ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक करने के बाद अब इसके अंदर कोई भी आप किस दूसरी सिम लगा के यूज में नहीं ले सकता। इस तरीके से आप बिल्कुल सेफ्टी हो जाओगे। आपका मोबाइल गया तो गया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, आपके इस मोबाइल से वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता, इसको यूज में नहीं ले सकता। और इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल, आपके पासवर्ड सारे इस मोबाइल में होते हैं तो वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता। और अगर मान लो आपका मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल मिलने के बाद इसके अंदर दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों अनब्लॉक करने का, तो आप इसके अंदर अनब्लॉक भी वापस से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉक कर दिया तो ये परमानेंटली ब्लॉक हो गया, आप इसको वापस से अनब्लॉक कर सकते हैं मोबाइल मिलने पे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारे स्टेप फॉलो करनी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।